तो हेलो यार, बहुत दिन के बाद वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। अभी तक वीडियोस नहीं आ रहे थे और उसके लिए सॉरी, और आज से फिर वीडियोस आएंगे। और आज मैं सौरभ जोशी का जो हाउस है, जो नया बनने वाला हाउस है, जिसका 3D मॉडल आया था, उसे मैंने माइनक्राफ्ट में बनाया। तो उसे बिना देरी किए देख लेना। और मैं उसे इतमान से बना रहा हूँ, वो भी सर्वाइवल नहीं, थोड़ा सा क्रिएटिव का भी यूज किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल्स थे। जैसे सौरभ जोशी का घर कितना आउटस्टैंडिंग इस बार बनने वाला है, आपने देखा ही होगा उनके ब्लॉग्स में, तो वही हम माइनक्राफ्ट में बनाने वाले हैं। तो अब मैं बनाने वाला हूँ, तो इस बात पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और जो जो कर रहा है कर देना। और चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये दिखाऊंगा नहीं कि मैंने कैसे बनाया है, मैं सीधा उसका टूर ही दे देता हूँ आपको कि मैंने माइनक्राफ्ट में बनाया तो ये कैसा दिखेगा। और अगर आपको मैप का लिंक चाहिए तो कमेंट में बताना, मैं उसका एक वीडियो भी बना दूंगा और उसका लिंक उस वीडियो में दे दूंगा। और तब ये देख लीजिए कि कैसा है ये, लेट्स गो। और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अब कि सौरभ जोशी का जो घर था उसे मैंने माइनक्राफ्ट में ला दिया, तो कैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, मैंने इसमें सैडर भी लगा दिया है, कुछ सैडर्स से ये बहुत बेहतरीन दिख रहा है। तो आप इसे देखिए और फन कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।